आप लिखित लाओ। अगर आप इतनी हट में हो तो लाइट चलो, अगर आप हटाइयो तो जल्दी आपको उसका परिणाम दिखाई आ रही है। अरे हमें देखो, धमकी ना दो, कीमत नहीं ना दो, बताइए कितना दीजिए। हाँ, इतनी हमारे अपना बेटा इतनी आलू नहीं देते। हाँ, बताइए आपको। सर कितनी अटल जी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। नगर पालिका बोर्ड से पास कोई बोर्ड और पास आप कौन कह रहा बोर्ड से पास नहीं ये चिट्ठी बोर्ड है कौन कह रहा है लोहिया भी है आप ये ज्ञान मत दे हमें लिखित दो हम पालिका से अपने अपने स्तर से हटाएंगे आप हमें नगर पालिका से लिख के दो आप हम पालिका ही देख रहे हैं हाँ आप हमें लिखित दो अरे लिखित मेरा नोट कर लो यार क्या नोट कर ले क्या नोट कर ले जवाब देंगे भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शांत होने के उपरांत देश में सर्वप्रथम कन्नौज नगर पालिका के द्वारा बोर्ड का प्रस्ताव पास किया गया कि घाघ नगर तिराहा को अटल चौक के नाम से जाना जाएगा और यहां पर पर्याप्त जगह है और उसी जगह के को देखते हुए नगर पालिका बोर्ड के द्वारा यहां पर अटल जी की स्मारक हेतु एक अटल चौक बनाया जा रहा था फिर शिलान्यास प्रतीकात्मक रूप से किया गया जिसमें अटल जी के साथ कार्य करने वाले वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी एवं जनसंघ के समय के लोग उस शिलान्यास में शामिल हुए और समस्त समाचार पत्रों के माध्यम से देश व प्रदेश के लोगों को सूचित भी किया गया तब तक कोई समस्या नहीं आई फिर पालिका ने इसका अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद जैसे ही यहाँ पर काम चालू कराया तो जिला प्रशासन के द्वारा इसको जब आधा बन गया था तो गिरा दिया गया उसके उपरांत हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया कि कोई लिखा पढ़ी में कोई नोटिस आवेगी लेकिन प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दी और अभी तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा अचानक से आज आचार संहिता लगने के उपरांत कन्नौज सदर SDM के नेतृत्व में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में यहाँ पर जो NH 91 6 लेन बन रहा है उसका डंपर और JCB लाकर यहाँ पर उन्होंने खुदाई चालू कर दी और अटल चौक का नामो निशान मिटाने पर बात हो गई किसी कार्यकर्ता के द्वारा मुझे सूचना दी गई तो मैं आनन फानन यहाँ मौके पर पहुँचा और मैंने उनसे प्रमाण मांगा लिखित रूप से कि यदि अवैध है तो आप मुझे लिखित रूप से कोई नोटिस दीजिए लिखित रूप से कुछ दिखाइए जो कि SDM सदर दिखा नहीं पाए और वापस चले गए और कह के गए हैं कि मैं इसको खोद दूंगा ये सरासर गलती है प्रशासन की क्योंकि नगर पालिका परिषद एक संवैधानिक व्यवस्था है और नगर क्षेत्र में अपने क्या करना है किस चौराहे का सुंदरीकरण करना है किस महापुरुष की मूर्ति कहां पर लगानी है किसके स्मारक को कहां बनाना है ये नगर पालिका परिषद का बोर्ड निर्णय लेता है ना कि जिला प्रशासन और जिस तरह से यदि उसमें कोई त्रुटि है तो वो लिखित नोटिस देकर उसको बतावे कि यहाँ पर हमारी त्रुटि है तो उसको सुधार करने किया जा सकता है लेकिन जिस तरह से
एक गुंडे माफियाओं की तरह प्रशासन ने कार्रवाई की है कि अचानक से आए बिना किसी संवैधानिक कार्य को पूर्ण किए हुए कोई कागजी बिना कार्रवाई के सीधा आके जेसीबी गुंडों की तरह जिस तरह से अवैध कब्जे पिछली सरकारों में होते रहे, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया गया, वैसे ही अटल जी की चौक को भी पिछली सरकारों में होते रहे लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया गया, वैसे ही अटल जी की चौक को भी ये लोग कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके संबंध में कन्नौज जिला प्रशासन के मुखिया जिलाधिकारी जी को इसके संबंध में ज्ञापन देंगे और उनको इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं। जो भी है, यदि कोई समस्या है, कोई गलती है, कोई त्रुटि है, कोई शिकायत है, तो आप उसको लिखित रूप से नगर पालिका को आप भेजिए, हम उसका जवाब देंगे और जो भी त्रुटि होगी उसका सुधार करेंगे। यदि कोई त्रुटि, पहली चीज़ तो है नहीं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी यदि है बताते हैं तो उसका सुधार किया जा सकता है, लेकिन ये गुंडे माफियाओं की तरह जिला प्रशासन का कार्य कतई उचित नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? माननीय उच्चतम न्यायालय तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी पूर्व निर्णयों में, पूर्व आदेशों में यह कहा गया कि जीटी रोड को अवरुद्ध न किया जाए, जीटी रोड पे कोई मंदिर स्मारक आदि न बनाया जाए। कुछ लोगों ने, जो कन्नौज नगर पालिका के चेयरमैन है शायद, उन्होंने कुछ मलबा गिरा करके कुछ स्मारक बनाने की बात कही जा रही थी, जिस पे एज ए उप जिलाधिकारी हमें संज्ञान में आया, तो आज मैं इसको अतिक्रमण हटाने के लिए आया था। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, पुनः आगे कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, जैसे कि चेयरमैन के द्वारा कहा जा रहा है कि अटल चौक की कोई बात आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई बोर्ड से प्रस्ताव नहीं है। अगर अटल चौक है तो निश्चित स्थान पर बनेगा, जीटी रोड को अवरुद्ध करके ऐसा कोई स्मारक मंदिर मस्जिद ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं सर सड़क पर ये अवैध निर्माण था, ये अवैध मलबा था जिसको हटाने आप लोग आए थे? बिल्कुल बिल्कुल है कि अवैध निर्माण किए जाने का प्रयास था, मलबा रखा जा रहा था जिसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग भी देश के सच्चे भक्त हैं, पुजारी हैं तथा शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं, तो हम लोग ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि जिससे किसी की भावनाएं आए। तो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वह जीटी रोड या राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी हैं इस पे कोई अतिक्रमण नहीं करने दिया। कहीं ना कहीं मलबा भी उसी जगह पे पुनः ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मलबा थोड़ा रह गया है, विरोध किया जाएगा, इसके आगे की प्रक्रिया के द्वारा आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।